नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं केमिकल विद्या। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करेंगे क्या होता है गांजा, भांग, चरस, ये सब चीजें कैसे बनाई जाती है, प्लांट से बनाई जाती है, उनके अंदर कौन से केमिकल कंटेंट होते हैं, हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट होते हैं, ये अच्छा है बुरा है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए, ये सभी पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो बकायदे तरीके से बताऊंगा, पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि गांजा को और क्या क्या बोला जाता है, फिर गांजा के प्लांट से जो चीजें निकलती हैं उनमें से क्या क्या चीजें बनाई जाती है। गांजा है, चरस है, भांग है, हैश है, हैश ऑयल है, और क्या बोल सकते हो, मैरिवाना जो गांजे का ही पार्ट है, मतलब गांजा को ही मैरिवाना बोला जाता है। इनके प्लांट्स का नाम है कैनाबिस। ये छोटे मोटे टर्म्स है जो आसपास सब एक ही है। अब आते हैं टॉपिक पे, जो हमारा गांजा है। गांजा बोल दो या फिर भांग बोल दो या फिर चरस बोल दो, जो गांजा होता है वो जिस प्लांट से बनता है उसे बोलते हैं कैनाबिस। कैनाबिस के नाम पर ही इनके केमिकल कंटेंट भी है, कैनाबिनॉइड और THC। मैं इनके बारे में वापस आऊंगा। पहले समझिए कैनाबिस प्लांट्स जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। कैनाबिस प्लांट्स के दो टाइप होते हैं, एक्चुअली तीन टाइप हो गए। इनसे बनाए जाने वाले जो गांजे होते हैं इनके हिसाब से तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इंडिका, एक होता है सतीवा, और एक होता है हर, मतलब इन दोनों का जो हाइब्रिड, सतीवा और इंडिका का हाइब्रिड जो होता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। जो इंडिका होता है, जब इससे गांजा बनाया जाता है तो गांजे के दूसरे अफेक्ट होते हैं। ये 100% श्योर नहीं, लेकिन माना जाता है कि ऐसा होता है 90%। और जो सतीवा होता है, फिर सतीवा जो होता है, इससे जो गांजा बनाया जाता है इसके कुछ अलग इफेक्ट होते हैं। जो इंडिका वाला होता है उसका इफेक्ट क्या होता है कि उसे पीने के बाद, जब गांजा उसका उस इंडिका प्लांट से जो बनाया जाता है गांजा, जब उसे हम स्मोक करते हैं तो हम नींद में जाते हैं, हमें रिलैक्स होता है, हम सोते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो काम करना बंद करता है, हम रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। लेकिन जो सतीवा मोड होता है इसमें हम एनर्जी मोड में आते हैं। देखो, जो नशा होता है दो तरीके का होता है, कि हमें डाउन करता है कि हमें अप करता है। तो इंडिका वाला डाउन वाला है और सतीवा जो होता है अप करने वाला है। हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, ज्यादा फोकस रहते हैं और ज्यादा काम करते हैं। और जो हाइब्रिड होता है वो लोगों को दिमाग में रख के बनाया जाता है। इंडिका और सतीवा को मिक्स किया जाता है, इनके जो केमिकल कॉन्टेंट है उसको अप डाउन किया जाता है, जिसके हिसाब से लोगों को हम दे सके, लोगों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है लेने की, तो उस सबसे वो हाइब्रिड वाला लेते हैं कि किसमें कौन सा केमिकल कंटेंट कितना ज्यादा क्वांटिटी में है। ये तो चलो प्लांट के बारे में हो गया। अब बातें करते हैं केमिकल कंटेंट। केमिकल कंटेंट जो गांजे के प्लांट्स में, जिसे बोला जाता है कैनाबिस, उसके अंदर एक ही केमिकल कंटेंट होता है। ऐसे होते तो और भी हैं, इसमें से हमारे कौन से काम का है, हमारे काम का दो है। एक का नाम है THC, एक्चुअली D9-THC बोलते हैं, और दूसरे का नाम है कैनाबिडायोल। जो THC है या फिर D9-THC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है Delta-9-tetrahydrocannabinol। और जो दूसरा CBD है, CBD का फुल फॉर्म होता है कैनाबिडायोल। ठीक है, मैं दो का नाम ऐसे लूंगा, THC और CBD, जिसमें से THC जो होता है ये हमारा एक्चुअल नशा कराता है, CBD का काम नशे का नहीं होता। इसके अलग अलग अपने अपने यूज होते हैं, बताऊंगा। इसका नॉर्मली यूज मेडिसिनल यूज होता है, हमारी बॉडी में जो मेडिसिनल यूज किया जाता है गांजे का, उसमें CBD का रोल प्ले होता है, THC का भी रोल प्ले होता है, लेकिन इसका क्वांटिटी में ज्यादा यूज होता है। अब जो THC होता है इस पर फोकस करते हैं। जो THC होता है ये हमारी बॉडी को नशा देता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। धीरे 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 जब इसकी लत लग जाती है तो हम इस पर डिपेंड होना चालू हो जाते हैं। गांजा एक्चुअली यही है, जो हम गांजा पीते हैं वो THC को ही पीते हैं। ठीक है, जो गांजा होता है, जो THC होता है हमारी बॉडी पर अटैक कैसे करता है, हमारी बॉडी में भी CBD होता है, उसे रिसेप्टर बोलते हैं, CB1 रिसेप्टर, CB2 रिसेप्टर, अलग अलग हमारी मोस्टली पूरी बॉडी में CB होते हैं, CB जो रिसेप्टर होते हैं हर एक बॉडी जगह पे होते हैं, दिमाग में ज्यादा होते हैं, इसलिए जो गांजा होता है हमारे दिमाग पर ज्यादा अटैक करता है। अब देखो कैसे काम करते हैं, जो हमारा CB1D हमारा जो रिसेप्टर होता है, इसका काम होता है कि वो कैनाबिनॉइड को एक्सेप्ट करे। देखो कैनाबिनॉइड हमारी बॉडी में भी होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो भी है कैनाबिनॉइड हमारी बॉडी में कैसे हैं, मैं आपको फिल कराता हूं। अगर आप अपने घर से 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता, अगर आप ज्यादा नहीं दौड़ते तब के लिए बता रहा हूं, अगर आप अपने घर से 2.5-3 किलोमीटर तक दूर जाते हो तो आपकी बॉडी का, अगर आप नहीं ज्यादा चलते तब की बातें कर रहा हूं, आपकी बॉडी में दो एक्टिविटी होता है। अगर आप 2.5 किलोमीटर कंटिन्यू भागते हो ना, तो पहला आपकी बॉडी में चुनचुनाहट आती है, और दूसरा आपकी बॉडी में चुनचुनाहट का रीजन कैनाबिनॉइड भी होता है। कहीं जगह मैंने देखा वो भी रीजन दिया गया कैनाबिनॉइड की वजह से हमारी बॉडी में चुनचुनाहट आती है, वो गलत है। हमारी बॉडी में जो चुनचुनाहट होती है उसका रीजन होता है कि हमारे जो नर्व्स होते हैं थोड़े थोड़े खुल जाते हैं, और दूसरा रीजन होता है हमें थोड़ा सा ना चक्कर आता है,
जब हम 2.5-3 किलोमीटर कंटिन्यू भागेंगे थोड़ा सा चक्कर आता है, इसका रीजन तुम कुछ भी दे रहे हो, चक्कर आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत दिन बाद भागा, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे जो बॉडी में कैनाबिनॉइड जो थे रिसेप्टर वो एक्टिव हो गए, इसके वजह से तुम्हें थोड़ा चक्कर आता है, कह सकते हो 2-5-10 सेकंड के लिए ही, लेकिन तुम नशे में थे, समझ रहे हो। वो नशा हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है, वो अच्छा है, इसलिए उसे नशा ना बोलो, चक्कर ही बोलो, ज्यादा अच्छा, जो कि हमें चक्कर हर 2-3 दिन में एक बार आना चाहिए, इतना तो एटलीस्ट हमें दौड़ना चाहिए, ठीक है। चलो ये पार्ट हो गया हमारी बॉडी का, अब आते हैं हमारे THC और CBD पे, रिटर्न आते हैं। जब कोई इंसान जब CBD या फिर THC या फिर गांजा को डायरेक्ट स्मोक करता है, तो स्मोकिंग की वजह से THC CBD हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी के जरिए से हमारे रिसेप्टर तक पहुंचते हैं, मतलब हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, और वो जो रिसेप्टर है वहां पे THC जाके बढ़ जाता है, और बिना भागे हमें नशा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं गांजा पीने की वजह से हम हाई हो गए, कैसे हो गए, नशे में हो गए, ठीक है। ये हमारी बॉडी पे, हमारी ब्रेन पे पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अगर हम THC अगर इंडिका वाला लिए है तो हम थोड़े सो जाएंगे, अगर हम सतीवा वाला लिए है तो हम अपने हिसाब से ज्यादा एनर्जी फाई हो जाएंगे, ज्यादा हम भागेंगे, ज्यादा हाई रहेंगे, तो ज्यादा एक्टिवली काम करेंगे। चलो ये दोनों पार्ट तो अपने अपने हैं। अब ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल सेक्शन की हमारी बॉडी में कैसे अटैक करता है, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। अब बातें करते हैं इसका हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, गंदा इफेक्ट क्या हो सकता है। जब हम गांजा पीते हैं तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन उस पर कंट्रोल होने लगता है, ब्रेन हमारे उन पर ही डिपेंड होने लगता है, इसके वजह से हम धीरे 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 हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट बंद हो जाता है। अगर हम टीनेज एज में पीना चालू कर देते हैं तब, अगर हम यंग एज में पीना, ये इंपॉर्टेंट बातें वापस सुनिए, अगर हम यंग एज में ये सब चीजें पीना चालू करते हैं तब हमारा जो दिमाग होता है डेवलप होना बंद हो जाता है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में ये सब चीजें यंग एज में ही ज्यादा चालू हो चुकी हैं, अब जैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक फोटो दिखा सकता हूँ, कुछ दिन पहले ये वायरल हुआ था। ये जो बच्चा है देखो, इनके ऊपर किसी का सहारा नहीं था, या फिर इन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, इनको कोई राह नहीं दिखाया, ये गलत राह पे चले गए, अब ये भटक चुके हैं, जो भी कुछ है, XYZ जो भी रीजन हो, लेकिन अब बच्चा एक गलत पोजीशन पे, ये बच्चा सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलो कि इनको कैसे भी सुधार सकते हो, सुधारो ना सुधारो, ये हमारा एक लुकआउट होगा, हम कैसे इन सब चीजों को बचा सकते हैं। लेकिन अभी देखा जाए हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे यंग एज जो है, जो टीनेजर एज है, यहाँ पे गांजा पीने वाले की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो जब हम यंग एज में ये सब चीजें चालू कर देते हैं तो सबसे एडवर्स इफेक्ट है कि हमारा दिमाग डेवलप होना बंद हो जाता है, या कुछ अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता, ये धीरे धीरे डिपेंडेंसी ज्यादा दिखाने लगता है, तो ये बच्चा आगे जाके क्या ही कर लेगा, समझ रहे। तो ये सबसे गंदा इफेक्ट है, बीमारी पे आऊंगा बाद में, लेकिन सबसे गंदा इफेक्ट इसका यही होता है कि ये डिपेंडेंसी दिखाता है और ब्रेन को डेवलप करने से बंद कर देता है। इसलिए टीनेजर कभी ये सब चीजों का हाथ ना लगाए। अब बातें करते हैं आगे जो और लोग पीते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताऊंगा कि कोई भी जो चीज स्मोकिंग की जाती है, तो स्मोकिंग करने से हमारी बॉडी में स्मोक जाता, मतलब हमारी बॉडी में धुआं जाता है, धुएं के साथ साथ स्मोक भी जाता है। स्मोक क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो धुएं के साथ साथ पार्टिकल्स जाते हैं, ऐसा कोई फिल्टर नहीं बना, जो सिगरेट के पीछे फिल्टर लग रहे, तो वो उन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए लगा ताकि बस धुआं जाए, लेकिन ऐसा कोई फिल्टर बना ही नहीं जिसके अंदर से स्मोक पार्टिकल ना जाए, अंदर 100% जाते हैं। आपने वो वीडियो देखा हो जब मूवी थिएटर में जब मूवी चालू होती है उसके पहले बनाई जाती है कि तुम्हारे लंग्स में से तार निकलते हैं काले काले पूरे, तो ये सब चीजें क्या है, तार एक्चुअली क्या, हमारे धुएं की वजह से तार नहीं जनरेट होता, वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जनरेट होता है। तो ऐसा कोई फिल्टर बना ही नहीं, तुम कोई भी फिल्टर लगा लो, ऐसा कोई फिल्टर नहीं बना जिसके वजह से जो स्मोक पार्टिकल है वो ना जाए, चाहे वो सिगरेट का केस हो और चाहे वो गांजा का केस हो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में स्मोक पार्टिकल जाएंगे ही और उससे हमारा जो लंग्स तक खराब होता है। एक अच्छा इफेक्ट भी है कि स्मोकिंग करने से हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं थोड़े खुल जाते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं कि तुम्हारी बॉडी में कैंसर जनरेट हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों के एक अच्छे अपने बुरे होते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज देखनी चाहिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा खराब है। तो कैंसर मेरे ख्याल से ज्यादा खराब है कंडीशन है। तो जो गांजा होता है इसके ऊपर जो इसके वजह से हमारे लंग्स में खराबियां ज्यादा होती है, और धीरे 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 कुछ स्टडी में भी पाया गया है कि गांजे की वजह से कैंसर भी होता है, जैसे कि हमने सिगरेट में भी देखा है, सिगरेट से भी कैंसर होता है, ऐसे हमारे गांजे से भी कैंसर होता है। गांजा पीने से हमारी बॉडी में और साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं कि हमारे पास सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, हम सोच नहीं सकते, कुछ चीजें याद नहीं कर सकते, हमारे जो आंखें होती लाल हो जाती हैं, हमारा मुंह हरदम सूखा हुआ रहता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली हाई रहता है, और हमारा जो
कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब हमारी जो बद्धता होती है, हम सोचने के लिए एक दूसरे से कंडीशन जो बनाते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट जो करते हैं, वो सब चीजें बंद हो जाती है अगर हम गांजा या फिर हम चरसी बन जाते हैं तब। चरसी एक कॉमन लैंग्वेज है, जब लोग ये सब चीजें ज्यादा कंडीशन में रहते हैं बहुत दिन तक ऐसी चीजों से कॉन्टैक्ट में, तो उनको बुलाया था चरसी। तो ये सब चीजों की थोड़ी धीरे 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 सब चीजों से डिपेंडेंसी हट जाती है और वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं आम आदमी, ये मोहमाया से हट जाते हैं जो कि गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट कह सकते हो। अब गांजे की जो गांजा होता है, इससे कुछ कुछ स्टडी में पाया गया कि मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, कुछ स्टडी मतलब मेडिसिनल यूजेस होते हैं, लेकिन किसी किसी केसेस में पाए गए हैं कि कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द होता है। देखो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भी जोड़ों में दर्द हो तो गांजे से ही ठीक होने वाला है, तो कल से गांजा पीना चालू कर दो, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता, कुछ ही स्टडी पाई गई हैं जिनके जोड़ों के दर्द बाद में बहुत दिन तक ठीक नहीं होते, तो वो लोगों को कैनाबिस जो होता है, कैनाबिस जो होता है इससे बनाई की दवा दी जाती है या फिर डायरेक्ट गांजा पीने के लिए कहा जाता है, या फिर वापस बता रहा हूँ किसी डॉक्टर के कहने पर ही पियोगे, अदरवाइज तुम रिया चक्रवर्ती से जेल में जाओगे। तो तुम्हारे पास कुछ डॉक्टर कहते हैं तब ये सब चीजों से अगर सेवन लिया जाता है तो शायद जोड़ों के दर्दों में ठीक देखा गया है कुछ केसेस में। मैं सभी केस के लिए नहीं बोल रहा, मैं कुछ केसेस के लिए बता रहा हूँ कि मेडिसिनल यूजेस गांजे से कुछ जोड़ों के दर्द और कुछ पेन किलर जैसा हम यूज इसका करते हैं जिससे अच्छा इफेक्ट देखा गया है। और तो ज्यादा इसका मेडिसिनल यूजेस नहीं देखा गया, लेकिन ये दो चार इसका ना देखने का भी रीजन है क्योंकि ये बहुत जगह इलीगल है, जहां देखो वहां पे दारू लीगल हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में तो दारू से अच्छा गांजा होता है। लेकिन दारू वगैरह से टैक्सेस ज्यादा मिलता है तो दारू को लीगल रखा जाता है, लेकिन जो गांजा होता है दारू से अच्छा होता है, लेकिन उसे इलीगल रखा गया, तो इलीगल है तो है, ठीक है। तो ये दिमाग में मत रखिए कि गांजा अच्छा है तो गांजा पीना चाहिए, दारू मत पियो, तुम तो कल से गांजा पीना चालू कर दोगे तो वापस, अभी तो फिलहाल माहौल गर्म है तो चले ही जाओगे। अब बातें करते हैं जो गांजा होता है, चरस होता है और भांग जो होता है, ये कैनाबिस, इन सभी के जो पिताजी वो कैनाबिस प्लांट ही है, लेकिन उनके कौन से पार्ट से क्या बना उसके बारे में बताता हूँ। जो गांजा होता है वो कैनाबिस जो प्लांट होता है, गांजा को ही मैरिजुआना भी बोलते हैं, जो मैरिजुआना बोलते हैं, मर्जियाना, मरीपियाना, जो भी है, जो आप एक्स वाई जेड नाम लोगों ऐसा नहीं बोला, तो मैरिजुआना बोला जाता है। जो कैनाबिस प्लांट होता है इसके जब जो हम फूल होते हैं, पौधे जो होते हैं उसमें जो फूल होते हैं, जो उसको सुखा करके हम ऐसे सिगरेट पीते हैं, जिसको बोला जाता है गांजा, ठीक है। गांजा बोलो, हैश बोलो, जो बोलो सकते हो, उसका नाम एक ही हैश है, उसी का ऑयल बना देते, हैशिश ऑयल वगैरह भी पिया जाता है, तो अपने अपने तरीके हैं। जो गांजे जो कैनाबिस प्लांट होता है इसके अंदर से गोंद भी निकलता है, गोंद मतलब एक लिक्विड पार्ट निकलता है तुम्हारे बाइंडर टाइप का, उससे जब हम बनाते हैं प्रॉपर में तो बन जाता है चरस। और जब उसके पत्ते को प्रॉपर में पीसते हैं और उसके अंदर घी वगैरह डालते हैं, काजू बादाम अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं और उसको बनाया जाता है, तो वो बन जाता है हमारा भांग। उसको गोले गोले बना, तो भांग के गोले बनाकर खाओ, पियो, जो करना है कर सकते हो। तो वो सब चीजें हमारे कैनाबिस, इन सभी के पिताजी जो है कैनाबिस प्लांट ही है, वो सारे की सारी चीजें कैनाबिस प्लांट से ही बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा की पूरा गांजे और चरस और भांग और भी जो एक जैसे है कैटेगरी, इनके बारे में बता देता हूँ। ड्रग्स इतना सा ही नहीं है, ड्रग्स एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। उसमें से एक पार्ट हमारा ये था गांजा, जो कि अभी फिलहाल मार्केट में ज्यादा फैला हुआ है और लोग भी इसे ज्यादा लेते हैं कॉमन। और भी बहुत सारे ड्रग्स के टाइप्स हैं, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो में मैंने बताया गांजा क्या होता है, उसके केमिकल कॉन्टेंट क्या है, बॉडी पर कैसे अफेक्ट होते हैं, बॉडी में कैसे काम करता है, उसका मेडिसिनल यूजेस क्या है, हर एक चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े क्या होता है गांजा और डिटेल में समझ पाए कैसे होता है वो।